हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो रिजल्ट कल, एक्चुअली आपसे को पता होगा, रिजल्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसी के बीच काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सोल की जो मार्कशीट है उसमें मदर नेम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा, और काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर मेरी सारी डिटेल सही है बट मेरा मदर नेम एनए शो कर रहा है। एनए का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो वो है नॉट अवेलेबल, यानी आपका मदर्स नेम आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आज इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है सिर्फ सोल मार्कशीट पे जो मदर नेम है, जो एनएसओ कर रहा है, इसके ऊपर मैं आज डिस्कस करूँगा। तो देखिए, पहली चीज़, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, तब आपके में मदर नेम शो नहीं करता है, ठीक है। यानी मदर नेम का कोई भी कॉलम आपके मार्कशीट पे नहीं होता है। बट जैसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, और फोर्थ सेमेस्टर का भी आएगा, फिफ्थ सेमेस्टर का भी आएगा, सिक्स सेमेस्टर का भी आएगा, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको मदर्स नेम का जो सेक्शन है वो शो करने लगेगा। पहले आपका एग्ज़ाम रोल नंबर शो करेगा, जो कि हमने हाइड कर दिया है, ठीक है। और फिर आपका नेम, फिर आपका फादर्स नेम, उसके बाद आपका मदर्स नेम जो कि नॉट अवेलेबल, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका एनरोलमेंट नंबर, फिर आपका कोर्स, फिर आपका सेमेस्टर जो कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर भी हो सकता है, ठीक है, फोर और सिक्स सेमेस्टर भी हो सकता है, फिर आपका कॉलेज नेम जो कि है स्कूल ऑफ पर्सनल नेम। तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ कि मदर नेम एनए की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसा हो क्यों रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, ट्वेल्थ के बाद, दोबारा बता रहा हूं, ट्वेल्थ के बाद जितने भी आप ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज करते हो, जो उनकी मार्कशीट आती है, जो उनका आईडी कार्ड आता है, उनमें मदर नेम अवेलेबल नहीं करवाया जाता। इसका रीजन ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय बता पाएगा, बट फादर्स नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एक क्वालिफिकेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनका मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, जिनका मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए, आपका फादर्स नेम जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर मदर्स नेम में एन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब आप अकेले नहीं हो। जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या जिनका अभी तक रिजल्ट आया, किसी में भी मदर नेम अवेलेबल नहीं है, जी हाँ। तो सॉल्यूशन यही है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मदर्स नेम किसी भी मार्कशीट में आपको नहीं मिलेगा, ना ही डिग्री पे मिलेगा। डिग्री पे सिर्फ आपके फादर्स का नेम, आपके फादर का नेम और आपका नेम होगा, मदर्स नेम नहीं होगा, सिर्फ आपके फादर नेम और आपका नेम होगा। ऐसी सेम मार्कशीट में आपका नेम होगा और आपके फादर का नेम होगा, मदर्स नेम अवेलेबल नहीं होगा। वैसे तो माँ का रोल सबसे बड़ा है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, बट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में फादर का नेम सबसे पहले महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि फादर्स नेम के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। क्योंकि आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि माँ से पहले आपसे बाप का नाम पूछा जाता है कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, ना। तो फादर्स नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फादर्स नेम शो नहीं कर रहा है तो ये एरर है, इसको ठीक करवाइए। अगर मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है, अगर एन ए लिखा है, ये कोई एरर नहीं है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है, और कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हुआ है या सोल से किया हुआ है। किसी भी मार्कशीट और सोल के सर्टिफिकेट में आपको मदर्स नेम देखने को नहीं मिलेगा, ना ही डिग्री पर मिलेगा, सिर्फ फादर्स नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका सोल रोल नंबर, आपका कॉलेज नेम, आपका कोर्स नेम और आपका फादर नेम, बस, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है
तो इग्नोर कीजिए, NSO कर रहा है, इग्नोर कीजिए, ये कोई एरर नहीं है। ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने किसी भी मार्कशीट में मदर्स नेम अवेलेबल करवाया ही नहीं है, जितना अब तक मैंने मार्कशीट देखी, किसी भी एक मार्कशीट में मुझे मदर्स नेम दिखा दीजिए, ठीक है, किसी भी मार्कशीट में आपको मदर्स नेम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो थी इसके ऊपर, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।